साथियों, ये संयोग ही है आज जब मैं आपके बीच यहां आया हूं, दोबारा सरकार भाजपा की बनाने के लिए अनुरोध करने आया हूं। सामने एक गठबंधन झारखंड को लूटने के लिए मशक्कत कर रहा है। ऐसे समय जब आपके पास आया हूं, तो आज देश के एक और राज्य ने बहुत बड़ा मजबूत फैसला दे दिया है। यहां आने से पहले शायद आपने टीवी में देखा होगा, कर्नाटक में आज उपचुनाव के नतीजे आए हैं। ये सामान्य उपचुनाव नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में आज जो उपचुनावों का नतीजा आया, उससे कर्नाटक की सरकार का भविष्य तय होने वाला था। और आज जो वहां नतीजे आए हैं, ये झारखंड सहित पूरे देश के लिए एक संदेश है। कर्नाटक के चुनाव से तीन बड़े संदेश निकले हैं। पहला ये कि देश की जनता स्थिर और स्थायी सरकार चाहती है। दूसरा, कांग्रेस और उसके साथी जो पिछले दरवाजे से सत्ता पाने के लिए जनादेश को धोखा देते हैं, जनता का अपमान करते हैं, जनता चुप रहती है, लेकिन पहला मौका मिलते ही न सिर्फ उन्हें सबक सिखाती है, बल्कि उनका सुपड़ा साफ कर देती है। कर्नाटक के चुनाव का तीसरा महत्वपूर्ण संदेश है कि देश में स्थिर और विकास के लिए समर्पित सरकार के लिए जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर ही है। ऐसे तीन मजबूत संदेश आज कर्नाटक के महत्वपूर्ण उपचुनावों के नतीजों से निकले हैं। साथियों, कर्नाटक में वहां की सरकार का भविष्य तय करने वाली 15 सीटों पर चुनाव हुए थे। उसमें से 15 में से 13 कांग्रेस के पास थी और बीजेपी के पास इन 15 में एक भी सीट नहीं थी। लेकिन परिणाम क्या है, अभी अभी जो मुझे जानकारी मिली है, अब तक अनुमान ये है कि 12 सीटों पर कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचंड जीत सुनिश्चित की है। कर्नाटक के मतदाताओं के लिए मेरे साथ बोलिए, भाजपा, भाजपा, भाजपा। साथियों, इसमें से भी कई सीटें ऐसी थी जहां भाजपा आजादी के बाद कभी भी चुनाव नहीं जीती थी। वहां हमारी ताकत, हमारी उपस्थिति बहुत कम थी, लेकिन वहां पर भी जनता ने विजय ध्वज भाजपा के हाथ में दे दिया।
कुछ स्थान पर तो हमारे बहुत छोटे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे, पहली बार लड़ रहे थे, अपरिचित थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को आज उनके घर में जाकर के धूल चटा दी है दोस्तों, क्योंकि विश्वासघात करने वालों पर जनता का बहुत गुस्सा था, जनता मौके की तलाश में थी। कुछ लोगों को जिन्हें कांग्रेस और उसके साथियों के इकोसिस्टम ने हीरो बनाया हुआ था, उन्हें भी जनता ने इस चुनाव में चुन चुन करके घर भेज दिया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि कर्नाटक के लोग ये समझ गए कि कांग्रेस और उसके साथियों सिर्फ अपना और अपने परिवार का विकास करते हैं, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। एक साल तक जनमत के खिलाफ उन्होंने कैसे कर्नाटक का विकास कांग्रेस ने और उसके साथियों ने रोक करके रखा, ये भी वहां की जनता ने देखा। और पहला अवसर मिलते ही कर्नाटक के लोगों ने विश्वासघात करने वाली जनता के साथ द्रोह करने वाले लोगों को कठोर से कठोर सजा दे दी है। भाई और बहनों, कांग्रेस और उसके गठबंधन की यही सच्चाई है जिससे झारखंड को भी सावधान रहने की बहुत जरूरत है। ये सुधरने वाले नहीं है, मान के चलो मौका मिलते ही वही करते हैं जो पहले करते थे। कांग्रेस और उसके साथियों का झारखंड में भी यही मकसद है। कांग्रेस झारखंड में भी छल कपट करना चाहती है, झारखंड को एक बार फिर अस्थिरता और अनिश्चितता के अंधेरे में धकेलना चाहती है। और इसलिए आपको भाजपा के पक्ष में भारी जनादेश देने के लिए मैं आज आग्रह पूर्वक प्रार्थना करता हूं। जिस तरह लोकसभा के चुनाव में झारखंड ने ताकत दिखाई, ये सारे पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे कि झारखंड में भाजपा को ज्यादा एमपी नहीं मिलेंगे, कोई कहता था दो, कोई कहता था तीन, कोई कहता था पांच, लेकिन ये झारखंड है जिसका भाजपा के प्रति इतना प्यार है कि झारखंड ने मेरी झोली भर दी दोस्तों, मेरी झोली भर। और इसलिए झारखंड का मुझ पर कर्ज है, यहां सरकार बनाइए भाजपा की, मुझे वो कर्ज चुकाने का मौका दीजिए। भाई, भाजपा ही आपको स्थिर सरकार दे सकती है।